तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, पिछले वाली वीडियो में कई ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे भाई कि लास्ट के जो तीन रीज़न हैं, जो रीज़न्स हैं या फिर जिसे हम लोग तीसरे तीन और स्टेजेस कहते हैं, तो उनको थोड़ा भाई एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लोर करके दिखा दो कि उसमें क्या क्या है, क्या फ़ायदे मिलते हैं, कुछ टास्क कुछ अजीब है या फिर जो पोकेमॉन, इनसे सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं आज मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग, मैं आ गया हूँ इथेरियम में। तो गाइस, इथेरियम जो है ये वाला जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है रीज़न, ये बहुत ही बड़ा है। अगर एक तरीके से देखा जाए जितने भी रीजन्स हैं या फिर जितने भी स्टेजेस हैं, वो सबसे बड़ा ये है। यहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं कई सारे जो लास्ट स्टेज के पोकेमॉन मिल जाते हैं। तो मैं कुछ पोकेमॉन को आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। पर और ये जो रेयर पोकेमॉन है, आसानी से आप लोग R2 बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो R2। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मिलता है हमको सेप्टाइल, फिर वाइल्ड प्लूम, उसके साथ साथ हमें मिलता है सैंड स्लैश और मिल जाता है म्याउथ, ठीक है। सैंड स्लैश, सेप्टाइल और ये जो वाइल्ड प्लूम, ये तीन पोकेमॉन जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ हॉन्टर है, लिटिल हेराक्रॉस है और भी कई सारे पोकेमॉन है, स्किप्लूम वगैरह वगैरह बहुत सारे पोकेमॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन सबसे बेस्ट पोकेमॉन का देखा जाए ग्रास टाइप के लिए, तो दो सबसे बेहतरीन और वो प्लस ड्रैगन टाइप के लिए भी है जो सेप्टाइल है। और वाइल्ड प्लूम तो सबको पता ही है, उसके पास बहुत ही एक अच्छा एबिलिटी है जिसे कोई भी अगर टच करता है उसे तो पैरालिसिस में चला जाता है, ठीक है। और सैंड स्लैश तो भाई एक पहला ऐसा पोकेमॉन अपडेट के बाद ऐड किया गया जो टोटली ग्राउंड एट्रीब्यूट का है, जिससे आप लोग बहुत सारे ग्राउंड स्टोन कलेक्ट कर सकते हो रिसेट ट्रिक के साथ। फिर गाइस दूसरा आते हैं हम लोग ईथर हाउस में। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा है। मैं ये छोटा इसीलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, मतलब बहुत ही छोटा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा घुटन होती है इस वाले, अगर आप गेम में होते ओरिजिनली तो आप शायद ही इसमें ज़्यादा समय टिक पाते। ये बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। और जगह जगह आपको अपोनेंट मिलेंगे यहाँ पर, जब भी आप इसमें जाओगे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी अगर आप पहली बार इसमें जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे अपोनेंट आपके आसपास खड़े रहते हैं, ठीक है। और पोकेमॉन का देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन है, ब्लास्टोइज है, माइलोटिक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हरियामा भी देखने को मिलता है, ठीक है। फाइटिंग टाइप्स के लिए हरियामा यहाँ पर मिल जाएगा, हरियामा R2 किसी के पास नहीं है गेम में, अभी तक किसी के पास नहीं है। माइलोटिक R2 बहुत प्लेयर्स के पास है, उसके साथ ब्लास्टोइज R2 भी बहुत प्लेयर्स के पास है। प्लस आपको यहाँ पर एक लेजेंडरी डबल SR पोकेमॉन देखने मिलता है जिसका नाम है डियाल्गा, उसके साथ साथ आपको हॉन्डूम भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन है अगर देखा जाए लास्ट स्टेज के, तो पिछले वाले से तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही हैं। और एक फ़ायदा मैं यहाँ को आपको बताता हूँ कि बहुत ही छोटा है तो आप जल्दी जल्दी यहाँ पर पोकेमॉन एक दूसरे के पास जाके कलेक्ट कर सकते हो, पर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ओपोनेंट आपके आसपास खड़े मिल जाते हैं। अगर पहली बार आप आते हो तो मैं बता दूँ, जब मैं पहली बार आया था बहुत सारे ओपोनेंट, आप थोड़ा सा हिलोगे और एक ओपोनेंट आ जाएगा आपको चैलेंज करने के लिए, जो गे बोर्ड्स होते हैं वो लोग। और यहाँ पर एक चीज़ एक अच्छी है कि यहाँ पर जब आप फाइनली यहाँ पर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर दो स्ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है, एक मेगा लूनानाल और उसके साथ साथ आपको सलगैलियो का जो स्ट्रेड है यहाँ पर मिल जाएगा एक ही बार, ठीक है। एक वन टाइम डिफीट होता है यहाँ पर, तो आप जब उनको डिफीट करोगे तो आपको वहाँ पर उनके स्ट्रेड्स मिल जाएंगे। यहीं पर दो पोकेमॉन जो लेजेंडरी पोकेमॉन डबल SR खड़े रहते हैं जब आप पहली बार होगे, एक बार उनको हरा दोगे तो वो इन्वेंशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये सीनरी देखने में अच्छा है, मेरे को ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है गेम में, और उसके साथ ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम लोग जाते हैं गाइस अल्टीमेट होल में। तो अल्टीमेट होल सबसे खूबसूरत, मैं अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम इस पर किया गया है। इसका जो सराउंडिंग है इसको देख सकते हो, नीचे पूरा 3D या थर्ड डायमेंशनल 4K जैसा फील आता है यहाँ पर। भाई खूबसूरत तो है ये वाला स्टेज, अगर देखा जाए जो अल्टीमेट होल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर पूरा अगर हम नीचे देखें तो आपको एक गैलेक्सी टाइप का दिखेगा, जैसे मिल्की वे होते हैं वैसे आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को नीचे, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो एक स्पेस टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेज है, पर ये भी स्टेज थोड़ा मेरे को बहुत ही डाबाडोल लगा। और एक मैं बता दूँ यहाँ पर भी बहुत, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक भी अच्छा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन नहीं है, एक भी पोकेमॉन नहीं है जिसे आप डायरेक्टली मेगा इवॉल्व कर सकते हो, एक भी नहीं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ पोकेमॉन जैसे बटरफ्ली आपको मिलेगा, पर उसका मेगा इवोल्यूशन अब तक ऐड नहीं किया गया गेम में, तो बेकार है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको दो पोकेमॉन के स्लेट्स मिलेंगे, एक तो होगा वो जो ट्री वाला पोकेमॉन जो हमने कुछ दिन पहले जिसका वीडियो अपलोड किया था, इवोल्यूशन वाला जो इलेक्ट्रिक वायर जैसा दिखता है, ऊपर से वो जो बग एंड फाइटिंग टाइप का जो लेजेंडरी डबल SR पोकेमॉन है, इन दोनों के स्लेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी बेहतरीन पोकेमॉन इस स्टेज में नहीं मिलेगा। तो दो सबसे स्टेज जो बेहतर थे वो ये इथेरियम, उसके साथ जो ईथर हाउस, ये दोनों भाई सबसे पूरे गेम में
अगर आप विंटर आई थिंक विंटर माउंट या फिर स्नो माउंट ये सब जो स्टेजेस है उनके साथ कंपेयर करो तो उनके खिलाफ से यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर पोकेमोन आपको मिल रहे हैं अगर आप आइस सूट यूज़र हो या फिर डार्क सूट यूज़र हो तो, ठीक है। पर हार्ड सूट यूज़र के लिए बस एक सैंडस्लैस ऐड किया गया है जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो वाला, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक। और यह तो लेवल होता है कंप्लीट कर लिए, मैं बता दूँ लेवल 80, 81, 82 मैक्सिमम आपको 82 तक आना होगा, फिर उसके बाद आप ये लोग जो लास्ट वाला है अल्टीमेट होल को अनलॉक करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर पोकेमॉन मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको कोई ऐसा टास्क नहीं मिलेगा, तीनों स्टेजेस में आपको कोई ऐसा टास्क नहीं मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन देता हो या फिर स्टोन देता हो, या फिर जो ग्रीन टास्क होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं रखा गया यहाँ पर। हो सकता है हमें अपडेट के बाद अगर कभी बाई चांस अपडेट आता है या फिर वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि उनको चाइनीज़ वर्जन को टोटली कॉपी करना है तो शायद हमें बहुत सारे और एक दो रीज़न देखने को मिल जाएगा, उसके साथ कुछ बेहतरीन पोकेमॉन भी देखने को मिलेंगे और होल्ड आइटम के साथ साथ जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वो भी। पर अभी तक तो हमें बस इतना ही है मिला गाइस, ये आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि ये तीनों रीजन को एक्सप्लोर कर दिखा जाए, बताया जाए कि इनमें कौन से टास्क होते हैं, क्या क्या यहाँ पर होता है, कैसे ओपोनेंट होते हैं, ट्रेनर्स का जो गेम बॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइस हाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर इथर हाउस और ये जो अल्टीमेट होल है दोनों जगह पर।